टेम्पो और जीप कदन आहत हो लगभग दस दस आदमी दस जन और ये भर्ती आज कौन এখানে 6 জন 6 জন জি কত জনের অবস্থা খুব খারাপ আছে 3 জনের অবস্থা খারাপ আছে তোমার নাম আমার নাম নাহিদ আলো বাড়ি গেছে দেওনা ঠিক ঠিক है हम लोग गांव के जो बिहार के लोग हैं तो पंचेपरा हाट करने जाते हैं तो ये लोग अपने काम उम करके कुछ अपने ज़रूरत की सामान खरीदने के लिए जा रहे थे तो टेम्पो जैसे ही अपने रास्ते से सही जा रहा था लेकिन उधर से बोलेरो रॉन्ग साइड में आकर के इन लोगों पूरा आगे से ठोक दिया है। इनमें से एक तो पूरा गंभीर से अभी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसका कमर जो है और पैर कह नहीं सकते क्या हुआ है, बाद में 8 लोग घायल हैं, उसमें से हार भी टूटा है, किसी का सर फटा है, आप देख भी लिए और क्या है रोक के रखे हैं, बाद बाकी जो बंगाल बोलेरो था ये और ये 3 व्हीलर था। मेरा नाम मुबशर आलम। ये लारूखा नाम से एक चौक है जहाँ एक बाईपास रास्ता है वहाँ से। आज पांजीपाड़ा का दिन है, मतलब पांजीपाड़ा का हाट है आज। हाट का दिन जितने सारे बिहारवासी हैं हमारे वो हाट करने के लिए पांजीपाड़ा जाते हैं, तो वो पांजीपाड़ा जा रहे थे हटिया के लिए और ये लोग टेम्पो में जा रहे थे, तो उधर से उस वाला रोड नहीं क्रॉस किया था, वो अपने लाइन से ही जा रहे थे, लेकिन किशनगंज से रूट वाला जो गाड़ी इधर आते हैं इस्लामपुर के लिए वो अचानक से आके इस गाड़ी को ठोक दिया है, तो जिसमें लगभग 8-10 आदमी घायल है और 2-3 को काफ़ी गंभीर चोट है। एक जो काफ़ी एज वाले मेरे बड़े पापा हैं उनको दोनों पैर उनका शायद टूट चुका है, अभी तक डॉक्टर रिपोर्ट हमारे पास आया नहीं है, मुद्दे पे आप देख रहे हैं, तो इसके लिए पूरा चोट है, ब्रेन में भी चोट है, बाकी लोगों का भी काफ़ी गंभीर चोट आया है। तो ये समस्या ऐसा है कि वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि एक बैरियर दिया जाए, एक बैरियर के कारण ही ऐसा हो रहा है, अगर शायद बैरियर दे दे तो शायद वो लोग इतना स्पीड में गाड़ी चलाएंगे नहीं। वहाँ पे बैरियर नहीं होते कारण इससे पहले भी आप देखे थे एक वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और 2-4 एक्सीडेंट इस ईयरली ही में हो गया है। ये समस्या को लेके हम लोग बार बार, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बंगाल सरकार के पास ही डिमांड कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इस चीज़ के लिए बंगाल सरकार से डिमांड करेंगे, अगर इस हिसाब से वो लोग उसका अगर बैरियर नहीं देगा जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है, क्योंकि वो NH 31 है, यहाँ पर हाईवे की हर एक गाड़ी चलती है और ये खास करके जो सैटरडे और ट्यूजडे होता है ये दोनों दिन में काफ़ी भीड़ होता है, क्योंकि बिहार का जैसे दामालबाड़ी पंचायत हो गया, जहांगीलपुर पंचायत हो गया, पल्लाबाड़ी पंचायत हो गया, इन तीनों पंचायत का जो मेन हटिया है हम लोगों का ये पांजीपाड़ा हटिया है, लेकिन पांजीपाड़ा हटिया के दिन ही देखिएगा ज़्यादातर ये एक्सीडेंटल होता है। आज से शायद 1 महीना पहले भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर टेम्पो लेके जो उधर से क्रॉस हो रहा था, तो हम लोग डिमांड करेंगे इस हिसाब से अगर एक्सीडेंट होते रहे, क्योंकि उसमें एक आदमी डेथ हो गया था पिछली बार, तो हम लोग चाहते हैं बंगाल सरकार से हमारी ये डिमांड है कि वहाँ पे बैरियर दे, जिसे अगर बैरियर नहीं देंगे तो वहाँ पे
स्पीड, क्योंकि स्पीड ब्लॉक नहीं होगा वहाँ पे, स्पीड जो स्पीड से ही आते हैं, क्योंकि NH-31 में आदमी बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाती है, इस हिसाब से समस्या हो जाएगी। तो हम लोग बिहार के आदमी हैं और बंगाल सरकार से हमारी यही विनती रहेगी कि वो लोग वहाँ पे एक बैरियर दें और वहाँ पे खास करके जो सिविल पुलिस है उनको दो 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 स्पार खड़ा करें, दो स्पार खड़ा करें। अगर दो स्पार खड़ा करेंगे, स्पार खड़ा करेंगे, बैरियर रहेगा तो स्पीड कंट्रोल में चलेगी गाड़ी। मेरा विनती बंगाल सरकार से यही है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं आफाक आदिल सरपंच साहब का लड़का हूँ, मैं जहांगीरपुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। ई स्मार्ट इन्वेस्ट, आज ही संपर्क कीजिए और अपना समय, पैसा और स्वास्थ्य बचाए। जी बिल्कुल, मैं आज ही ई स्मार्ट इन्वेस्ट का संपर्क करता हूँ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9077123060 अथवा व्हाट्सएप करें 9485132399 अथवा ईमेल करें om.esmartinvest@gmail.com पर या फिर हमारी वेबसाइट esmartinvest.com पर मुलाकात लीजिए।